A very good morning students. Today we are going to read chapter number three How the Sun Was Rescued The Lion and the Clever Hare. Today we are going to read a story on a lion and a clever hare. Hare H A R E Hare hota Her Ghosh Once upon a time there lived a fierce and wicked lion in a jungle. All the animals were afraid of him. He used to kill animals. फॉर फन एंड नॉट वेन ही वॉज हंगी एक समय की बात है एक जंगल में एक बहुत ही फीयर्स और विकट लायन रहता था फीयर्स मतलब बहुत ही फ्रोशियस बहुत ही खूंखार और विकेड मतलब शैतान लायन रहता था ऑल एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ हिम और सारे एनिमल्स उसे बहुत डरते थे और वो एनिमल्स को मज़े के लिए मार डालता था और भूख के लिए वो उनको नहीं मारता था वो जब भी उसे उसके सामने कोई भी एनिमल आ जाता था वो उनको मार डालता था दे प्लान टू सेंड टू एनिमल्स एवरी डे वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द इवनिंग टू द लायन एज प्रे तो एक दिन उन सभी एनिमल्स ने एक मीटिंग की और वहां पे उन्होंने ये तय किया कि वो डेली रोज दो एनिमल्स उस लायन को भेजेंगे एक सुबह और एक शाम को उसके प्रे की तरह उसके शिकार की तरह द लायन एग्री टू दिस आइडिया बट इफ माई प्रे डज नॉट रीच मी ऑन टाइम आई विल किल ऑल ऑफ यू ही रोड और ये सुन के लायन ने हाँ कहा उसे ये आइडिया पसंद आया और उसने ये भी कहा और उसने बहुत जोर से रोड किया मतलब घुर्राया और उसने कहा कि अगर किसी दिन मेरा कोई प्रे मेरा कोई शिकार टाइम पे मेरे पास नहीं आता मैं तुम सबको मार डालूंगा वन डे इट वॉज द हेयर्स टर्न टू गो टू द लायन आई मस्ट थिंक ऑफ अ वे टू स्टॉप दिस ही थॉट ही मेड अ प्लान ही वेंट लेट टू द लायंस डेन एक दिन एक खरगोश की बारी आई लायन के पास जाने के लिए तब उसने सोचा कि मुझे इसको रोकना ही होगा तब उसने एक प्लान बनाया और वो लायन के डेन में बहुत लेट से गया बहुत बहुत देरी से गया। द लायन। लायन जोर से घुर आया और उसने कहा कि तुम इतना लेट क्यों आए हो योर मेजिस्टी सेट द हेयर वेन आई वॉज कमिंग टू योर डेन आई वॉज कॉट बाय अनादर लायन उसने कहा यो मेजिस्टी जब मैं आपके डेन में आ रहा था तो मुझे एक दूसरे लायन ने एक दूसरे शेर ने पकड़ लिया था आई टोल्ड हिम नॉट टू किल मी एज आई वॉज गोइंग टू द किंग मैंने उसे कहा कि तुम मुझे मत मारो क्योंकि मैं किंग के पास जा रहा हूँ मैं इस जंगल के राजा के पास जा रहा हूँ बट द लायन सेट दैट ही वॉज द रियल किंग ऑफ द जंगल एंड ओनली ही है राइट टू किल मी मगर तब उस शेर ने मुझे पकड़ लिया और उसने मुझे कहा कि इस जंगल का असली राजा मैं ही हूं और मैं ही तुम्हें मारूंगा आई सम हाउ मैनेज टू एस्केप एंड कम हेयर मैं किसी तरह से वहां से एस्केप करके भाग आया हूं आपके पास द लायन वॉज फ्यूरियस लायन ये सुन के बहुत गुस्सा हो गया फ्यूरियस मतलब बहुत ज्यादा एंग्री हो जाना हाउ केन दे बी अनादर किंग इन द सेम जंगल एक ही जंगल में एक और राजा कैसे हो सकता है शो मी वेयर ही इज मुझे दिखा वो कहाँ है आई विल किल हिम एट वंस मैं एक ही बारी में उसे मार डालूंगा द हेयर टुक द लाइन टू अल फुलटर वेन दे रीच नियर द वेल द हेयर सेट टू द लाइन दिस इज दिस इज वेयर ही लिव्स और वो हेयर वो खरगोश उसे एक डीप वेल well में ले गया एक घने तला एक घने वेल में लेके गया जो पूरा पानी से भरा हुआ था जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं और जैसे ही वो वेल के पास पहुंचे तब उस हेयर ने उस खरगोश ने उस शेर से कहा यही वो जगह है जहाँ पे वो दूसरा जो लायन है वो रहता है ही इज हाइडिंग इन साइड और वो इस कुएं के अंदर छुपा हुआ है द लायन लुक्ड इन साइड द वेल तब वो लायन उस वेल के अंदर देखता है ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर एंड that there was अनादर लायन और तब उस लाइन को उसी का ही रिफ्लेक्शन उसी की ही परछाई उसमें दिखती है उसी की ही अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है पानी में और वो सोचता है कि यहाँ पर एक दूसरा लायन रहता है ही रोड एंड सॉ दैट द अदर लायन वॉज ऑल्सो रोरिंग और जब वो घुर रहा है तो उसे दिखता है जो वो दूसरा लायन है वेल के अंदर वो भी घुर्रा रहा है इन एंगर ही जम्प इन टू द वेल टू अटैक द लायन एंड Drowned. और गुस्से के मारे वो उस कुएं में उस वेल में छलांग लगाता है जंप करता है उस दूसरे लाइन को अटैक करने के लिए और खुद ही डूब जाता है द हेयर home होम All द एनिमल्स प्रेज द हेयर फॉर हिज क्लेवरनेस और वो जो हेयर था वो जो खरगोश था वो खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और सभी एनिमल्स सभी जो दूसरे जानवर हैं वो उसको प्रेस करते हैं उसे शाबाशी देते हैं उसके क्लेवरनेस की वजह से उसकी चतुराई के वजह से क्योंकि उसने चतुराई दिखाई और उसने उस लाइन को मार डाला थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग